आज यानी 28 सितंबर गुरुवार को देश भर में ईद मिलान उन नबी का पर्व मनाया जा रहा है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ईद मिलाद तीसरे महीनों में रबीउल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। मिलाद उन नबी का पर्व इस्लाम धर्म के मुताबिक महत्वपूर्ण है। इस दिन इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इस्लाम के मनाने वालों का ये भी कहना है कि उन्होंने अल्लाह के संदेशों को सभी तक पहुँचाया है। इस पर्व को नबी मोहम्मद के जीवन और उनके संदेश के प्रति समर्पित रूप से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। शहर की सबसे प्राचीनतम मस्जिदों में शामिल मोती मस्जिद में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में एकत्र होकर के नमाज करने के साथ ही एक दूसरे को जश्न की मुबारकबाद देते नजर आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद की याद में सड़कों पर जुलूस निकाला। साथ ही ये जुलूस शहर की अलग अलग मस्जिदों से होते हुए फूलबाग पहुंचा, तो वहीं मोती मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने शहरवासियों को बधाई देते हुए इस दिन को अमन और चैन का पर्व होना बताया है। अस्सलामुअलैकुम सारे ग्वालियर वासियों को मेरा और सबको ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत बधाई है। ये हमारा एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिर्फ अमन के लिए बनाया जाता है और इस मौके पे आज शहर के जितने भी हमारे बड़े लोग हैं और हर तरीके से बड़े लोग हैं और जो मस्जिद के रहनुमा हैं अपने पठान साहब, नाजिम साहब, और क्योंकि मैं सबके नाम लेना स्टार्ट करूँगा तो बहुत रहेगा, मामू आए, चाचा जी आए, आफ्ताब भाई, इरफान भाई, तो मैं आज ये जानना चाहूँगा कि आप इरफान भाई से शुरुआत करें। मेरी तरफ से सिर्फ मुबारकबाद है, इससे बड़ी बात और कोई है कि योम पैदाइश का दिन है। हमेशा उनने कभी किसी जाति और धर्म का भेदभाव ना करते हुए उनने कहा कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सोता है तो उन्हें कभी ये नहीं कहा कि वो हिंदू होना चाहिए कि ईसाई होगा या पंजाबी होगा या वो अन्य जाति का होगा। उनने कहा है वो किसी भी जाति का होगा, अगर वो भूखा सोता है तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इस्लाम को मानने वाले हैं तो सबसे पहले आपको अपने पड़ोसी को देखना है, उसको भूखा नहीं सोने देना है। उनने कभी भी कहा, उनने हमेशा कहा कि अगर कोई गरीब है, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसको ये मत जतलाइए कि आप उससे ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं, आप हमेशा उससे बचिए, उसको ये महसूस नहीं कराइए कि आप बहुत पैसे वाले हैं। तीसरा, हमेशा उन्होंने ये कहा कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो हमेशा मुट्ठी को बंद करके दीजिए, उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं इसको दे रहा हूं तो उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करिए, आप हमेशा दीजिए तो मुट्ठी बंद करके दीजिए। तो इस्लाम में जब वो आए, जब उनने इस्लाम फैलाया तो मोहम्मद साहब ने हमेशा एक ही बात कही कि मोहब्बत, सद्भाव, प्यार सभी लोगों के साथ रखना है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज मेरा नाम इरफान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश का दिन है और मोहम्मद साहब का बर्थडे होने की वजह से इसे बड़ी खुशी से हम लोग मनाते हैं। एक छोटा सा मैसेज, बहुत सारी बातें पठान साहब ने कह दी और एक छोटा सा मैसेज मैं ज़रूर एक रखूँगा क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लाम का उदय उस समय हुआ था जब बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था और सिर्फ लिंग आधार पर, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई होती तो आज जो 33% आरक्षण या 50% आरक्षण की बातें हो रही हैं तो वो शायद बेटियों को अगर हम तब से जिंदा ही गाड़ते आ रहे होते तो आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति होती इस समाज की, इस देश की या विश्व की। तो आज आप ये समझ सकते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है उसको पैगाम को लेने की सब मुसलमानों को भी ज़रूरत है और ये सभी के लिए वो